प्रशासन की तीसरी आंख में हुआ मोतियाबिंद, नहीं हो रही है सुरक्षा की निगरानी। राजागंज पुलिस चौकी सवालों के घेरे में, कैमरे की निगाह हुई नीची। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए शहर के चौक और सरकारी भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे लगने के बाद अधिकारियों द्वारा सुध नहीं ली जाती है। यही कारण है कि जो कैमरा एक बार खराब हो जाता है उसे बदला नहीं जाता है। ऐसे में शहरवासी अपनी सुरक्षा को लेकर खुद ही चौकस हो जाएं, क्योंकि कोतवाली थाना क्षेत्र के राजागंज चौकी वीर अब्दुल हमीद पुल पर पुलिस की तीसरी आंख में मोतियाबिंद हो गया है। जिन सीसीटीवी के भरोसे पुलिस क्राइम और क्रिमिनल्स को काबू करने के दावे करते नहीं थकती, वहीं बिहार को जोड़ने वाली सड़क वीर अब्दुल हमीद सेतु पर लगे सीसीटीवी महज 100 पीस बनकर रह गए हैं। पुलिस को क्राइम की जांच करते समय अक्सर निजी संस्थानों और मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के आला अधिकारी अपने सीसीटीवी को ठीक कराने या नए सीसीटीवी लगवाने के लिए गंभीर नहीं है। हम आपको बता दें कि आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व पुलिस प्रशासन शहर के प्रमुख जगहों पर कैमरे लगवाए थे, जिनकी देखरेख का जिम्मा पुलिस प्रशासन ने लिया था। अब्दुल हमीद सेतु बिहार को जोड़ने वाला मेन सेतु है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सेतु के कैमरे खराब हुए कई माह बीत गए हैं और पुलिस प्रशासन ने इन्हें ठीक कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वहीं राजागंज पुलिस चौकी के कार्यशैली पर भी उंगली उठने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बता दें कि कैमरे को खराब या कैमरे की निगाह को नीचे करके रात में होता है अवैध खनन की गाड़ियों का आवागमन। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर।